हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम चारकोल पाउडर कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पे बिल्कुल आसान तरीके से। बस हमें चारकोल पेंसिल लेनी है जो कि हार्ड है हमारे पास, उसे ऐसे घिसना है रेगमार पर। ये रेगमार बिल्कुल 55 रुपीज में आ जाता है, मार्केट से खरीदे तो। ये खास पेंसिल के जो ब्लेंडिंग स्टेप को शार्प करने के लिए होता है, तो हम इसे ऐसे ही घिसते रहेंगे और नीचे हमारा इकट्ठा होता रहेगा चारकोल पाउडर, ठीक है। आप उसे पेपर से कर लें, कोई डब्बी में डालने के लिए आसान हो जाए इसलिए। तो हम ऐसे ऐसे घिसते रहेंगे पेंसिल को। तो गाइस, जब ये हमारा हो जाएगा तो हम इसे इकट्ठा करेंगे। तो ये हमारा हो गया है, तो हम ब्रश लेंगे, मेकअप ब्रश, उसे ऐसे करके हम इस रेगमार से हटा लेंगे, ठीक है, चारकोल पाउडर को, क्योंकि इस पर ना लग जाता है, वो जम जाता है इसके ऊपर। तो ऐसे निकाल दिया, अच्छे से निकालें, क्योंकि रेगमार है जो इसमें चारकोल पाउडर के कुछ कण जो बीच रह जाते हैं, फंस जाते हैं इसमें। तो अब हम चारकोल पाउडर को इकट्ठा कर लेंगे इसका पर, और फिर हम कोई डब्बी लेंगे, उसमें से डाल लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा भी कैसे यूज़ करते हैं इसको और इसका कैसा रिजल्ट आता है। तो हम इसको ऐसे ही करके कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो अब जो हमारा हो गया है, हम इसे इकट्ठा कर लेंगे इस जगह पर। हमें इसे अच्छे साफ कर लेना है, क्योंकि इसमें जो कुछ कण है इसमें रह जाते हैं बीच में। तो अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे मेकअप ब्रश से, ठीक है गाइस। तो ये हमने इकट्ठा कर लिया है, मैं आपको अभी रिजल्ट भी दिखाऊंगा। ये हमें ब्रश लेना है और एक पेपर पे लगाना है इसको। ये देखिए बहुत ही स्मूथ होता है, ये ब्लेंडिंग होती है इसकी, ये स्किन के लिए, यानी कि स्किन हमारी बहुत ही स्मूथ होती है, इसलिए उसके के लिए बहुत ही अच्छा होता है ये। हम जब भी ड्राइंग करते हैं तो चारकोल पाउडर का यूज करते हैं। मार्केट से ये बहुत महंगा बिकता है, हम इसे घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये पेंसिल 50 की 3 सेट आई थी अप्सरा की, और 2 तो मीडियम और हार्ड ठीक थी, ये मीडियम और सॉफ्ट ठीक थी, ये हार्ड पेंसिल थी, इसलिए ये पेपर पे काम नहीं कर रखी थी। मैंने सोचा इसका चारकोल पाउडर बनाकर यूज़ करके देखता हूँ, तो ये चारकोल पाउडर बना के बहुत अच्छे से यूज हो रही थी हमारे लिए गाइस। तो अब हम इसे करके देख रहे हैं, आप 2-3 लेयर के बाद इसे पूरा डार्क कर सकते हैं। टिश्यू पेपर हो तो आपके पास, उससे भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, मैंने ब्रश से किया है केवल। तो हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।